हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले ऑफ एड बॉल पूल। यार थैंक यू सो मच इतना ज्यादा प्यार दिखाने के लिए। आई कांट बिलीव कि आप लोगों ने इतना ढेर सारा प्यार दिखाया हमारी गेम प्ले वीडियो पे कि मेरा दिल किया यार मैं खेलूं। और देखो मतलब इतने पॉजिटिव कमेंट यार मुझे यकीन नहीं हुआ था। तो आज हम लोग पब्लिक ट्राई करने वाले अपने कॉइन्स को इंक्रीज करने का। लास्ट टाइम हमने बड़े थोड़े से गेम्स खेले थे और अपने कॉइन्स को 2 बिलियन पे लेके आए थे, लेकिन आज हमारा गोल होगा 2.1 बिलियन। ठीक है, तो उसका मतलब है हमें चार तो गेम्स जीतनी पड़ेंगी और जो हारेंगे वो हमारी एक्स्ट्रा गेम्स हो जाएंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा खेलना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं और होपफुली आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छे से जाने वाला है। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो बाबाजी की पब्लिक। तो आज हमें जीतना पड़ेगा चार बर्लिन्स मिनिमम, तब जाके हमारे 2.1 बिलियन हो पाएंगे। कैश मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और आप लोग कह रहे थे यार कि आप प्रोफाइल भी दिखाएं, तो दिस इज माय प्रोफाइल पब्लिक। बहुत ज़्यादा मैंने ऐसी तैसी कर रखी है, तो जज नहीं कीजिएगा। डायमंड है, इसको ब्लैक डायमंड भी करेंगे। ठीक है, ब्लैक डायमंड जो होता है वो मतलब सबसे टॉप की कैटेगरी होती है, आप देख सकते हो थोड़ा सा रह गया। तो मुझे बताओ ब्लैक डायमंड करें या ना करें। अगर आप लोग साथ दोगे, प्यार दिखाओगे ढेर सारा, और अगर इस वीडियो पे 20,000 लाइक्स आ गए, 20,000 लाइक्स अगर इस वीडियो पे आ गए नेक्स्ट एड ऑफ पुल की वीडियो से पहले, तो मैं इसको एक ही दिन में एक ही बार में ब्लैक डायमंड कर दूँगा। ठीक है, तो अभी हम बैक करते हैं इसको फिलहाल के लिए। और वन की विन स्ट्रीक हमारी चल रही है सारी। यहाँ पे आपके स्टैट्स सारे होते हैं कि जिस तरह हमारे पबजी मोबाइल में होते हैं ना पब्लिक, वो होता है करियर रिजल्ट होता है। ठीक है, वो सारा वहाँ पे, यहाँ पे आपके स्टैट्स यहाँ पे ऐसे शो होते हैं। ठीक है, प्रोफाइल आ रही होती है। खैर पहली गेम खेलते हैं, लेट्स होप के दिन अच्छा जाएगा पब्लिक और हम आज हारेंगे नहीं, अच्छे से कॉइन जीत पाएंगे। अच्छा जी, डिलॉन हंटर बंदा आया। ठीक है, मैं गारंटी से बोलता हूँ ये इंडियन होगा। नहीं, डिलॉन हंटर मुझे इंडियन नाम लगा था, बट दिस गाइज फ्रॉम पाकिस्तान। और मैं ये उम्मीद करूंगा यार मुझे बारी दे दे, लेकिन पहली बॉल चली गई ना उसके साथ साथ उम्मीदें भी चली जाती हैं। ओके 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 ओके, दैट्स वेरी आई गेस गुड। ठीक है, अच्छी बात है। और आई गेस पब्लिक मैं डोंट स्पीक टू सून वाली बात हो जाएगी अगर आप बोलूँ कि मैं जीत गया, तो हमें बहुत तरीके से खेलना पड़ेगा, बहुत तरीके से खेलना पड़ेगा। अभी मुझे ना ब्राउन बॉल को किसी तरह पब्लिक वहाँ से निकालना है। जो ब्राउन बॉल है ना वो हमें थोड़ा सा तंग कर सकती है। ठीक है, आपको लग रहा होगा टेबल बहुत सिंपल है। ठीक है, कभी भी अगर आपको मतलब एंड तक खेलना है, एंड तक लेके जानी है अपनी बारी को, तो भाई आपको क्या करना है कि आपको अपनी नेक्स्ट बॉल पहले से डिसाइड करके रखनी है कि आप कौन सी बॉल खेलने वाले हो। नहीं यार, मैं इसको डबल में खेल लेता, लेकिन अभी डबल में भी फंस जाऊंगा। थोड़ी सी बैक स्पिन यूज़ करके क्यू बॉल को ऊपर लाऊं और फिर मैं ब्राउन को टॉप ऊपर वाली पॉकेट में मतलब खेलने की ट्राई करूँ। बस 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 बस, ज़्यादा नहीं, स्टक नहीं होना, स्टक नहीं होना। नो नो नो, स्टॉप। आई गेस ठीक है, जा रही है। जो मैंने किया था पब्लिक वो बहुत परफेक्ट तरीके से हो गया। ठीक है, अब मुझे अपनी बॉल को थोड़ा सा वापस से बैक पे लाना है कि मैं अपनी बाकी बॉल्स को खेल सकूं। ओके ओके, उसको पॉट कर ही लूँगा। ओके पब्लिक, अब यहाँ पर थोड़ी सी हमें ब्लैक को थोड़ा तरीके से खेलना पड़ेगा वरना हम बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। ठीक है, मैं स्पिन लगाऊंगा ब्लैक को लाने, वाइट को लाने की कोशिश करते हैं ब्लैक के ऊपर। आ जा, बढ़ गए, प्रोग्राम बढ़ गया, बट मैं इसको खेलने जा रहा हूँ ये शॉट, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, नहीं यार, देखते हैं ये बंदा क्या करता है। ही इज ऑल्सो गोइंग फॉर द ट्रिक शॉट और जा भी सकती है आई गेस। नो, ओ उसने वाइट बॉल पॉट कर दी। तो पब्लिक अब यहाँ पर बारी आ चुकी है कि हमें कुछ भी करके ट्रिक शॉट मार के जीतना है। मैं ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है, कि ये चली जाए। आई डोंट नो, पहली ही गेम है और अगर ट्रिक शॉट से चली गई तो भाई छस से आ जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करने में क्या जाता है। यस, ऐसे जीते पब्लिक हम अपनी पहली गेम और फिर से लीग पे टॉप पर आ गए भाई। और पहली गेम जीत के हम लोग अपने कॉइन्स को इंक्रीज कर चुके हैं। ठीक है, अभी हमें ना मतलब आई गेस 80 मिलियन कॉइन्स और जीतने, तब जाके आज का हमारा टास्क जो है वो पूरा होगा। और वो है हमारा, आपको बताया कि बाबा जी 2.1 बिलियन कॉइन्स का। ठीक है, गोस्ट ऑफ उचीहा, ये कहाँ से रहने वाले हैं। फाइनली हमारी ब्रेक आ चुकी है, ये भी पाकिस्तान से रहने वाले हैं। इनको हराना जो है ना वो हमें मतलब कोशिश करनी पड़ेगी कि हम कुछ भी करके इनको हरा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अजान हो रही है यार। फाइनली पब्लिक ऐसा होता है कि हम वापस से अपनी बारी हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं और ये बैक टू बैक हमारा सेकंड विन हो सकता है यार, और हम इजी पीजी तरीके से जीत जाएंगे पब्लिक इंशाल्लाह। अगर मैं यहाँ पे परफेक्टली हैंडल करता हूँ पब्लिक तो इजीली जा रही है, मैं बोलूँ बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी तरीके से हम ये गेम विन कर रहे हैं। अगर हारे तो मैं अपनी गलती कैसे हारूंगा। ठीक है, दैट्स इट, बहुत इजी तरीके से ब्लैक भी जा रही है और ये हमारे कॉइन्स में इजाफा हो सकता है यहाँ पे अगर ब्लैक में
मतलब पॉट कर दूंगा और उसमें कोई मसला भी नहीं है, वो बहुत सिंपल तरीके से जा रही है। देयर वी गो पब्लिक, ये हमारा था सेकंड विन बैक टू बैक, और ये लीव करके भागने में जो है वो कामयाब हो गया ये बंदा। और यहाँ पर हम लोग जीत चुके हैं अब दो गेम्स, ठीक है, तकरीबन शायद तीन गेम्स और जीतने पड़े हैं, उसके बाद जो पब्लिक ऐसा होगा कि हमारा जो आज का टास्क है वो पूरा हो जाएगा। भाई ये बंदा भी पाकिस्तान से रहने वाला है, ये हमारा थर्ड ओपोनेंट है जो पाकिस्तान से ही हमें मिला है, और इस बंदे ने जो है ना पब्लिक ब्रेक करनी है अपनी बड़ी प्यारी ही क्यू से। इसका नाम थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, कि यार अच्छा बैकअप मिल जाए तो उससे ये होगा कि हम थोड़ा कम लॉस में चले जाएंगे। वो तीन गेम जीतनी है जो पहले जीतनी थी, क्योंकि हमारा 19 मिलियन का बैकअप है। भाई साहब 585 लेवल, और ये बंदा भी पाकिस्तान से रहने वाला है। लेकिन अब मैं ना जो पिछले गेम में पब्लिक बुरा किया, मैं उसकी भरपाई करने की कोशिश करूंगा, और मैं मतलब इसको बारी नहीं देनी, बहुत परफेक्ट तरीके से खेलूंगा, बहुत दिल से खेलूंगा। बस मेरी बॉल एक सही है भाई, एक बॉल नहीं गई, एक बॉल पॉट नहीं हुई। ओए! बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती हैं। बैकअप पूरा करना ही करना है भाई, इसकी इमोट देखो उसका। ओए होए होए होए, इंडोनेशिया का प्रो प्लेयर पब्लिक 68,809 गेम्स खेली हुई हैं, और कितनी अच्छी जीता हुआ ये बंदा यार। अब हमें बारी फाइनली पब्लिक मिल गई, ठीक है, तो इंशाल्लाह अब मैं मौका नहीं गवाऊंगा और अब मैं जीत के दिखाऊंगा। ओके ठीक है, दिखाऊंगा। परफेक्ट बनाई वैसे तो मैंने, सही स्पिन यूज की थी और परफेक्टली बन भी गई और परफेक्टली जीत भी गए, हरा दिया इंडोनेशियन लेजेंड को। और यहाँ पर पब्लिक हमारा साइमा की रिक्वेस्ट आ रही है। साइमा आई एम वेरी सॉरी, मैं अभी वीडियो बनाने के चक्कर में खेल रहा हूँ। साइमा तुम्हें मेरी आईडी कैसे मिली? मेरे साथ ऐड साइमा नहीं है भाई, मैं आपको दिखा दूँगा देखो। और ये पता नहीं पुराने पता नहीं कौन कौन ऐड है। ज़ेनिया, ज़ेनिया इज विद अस पब्लिक एंड शी इज फ्रॉम कंबोडिया, और कंबोडिया वालों को तो जीतना नहीं चाहिए पाकिस्तान से, कंबोडिया को तो हमें हराना ही पड़ेगा, ठीक है। कंबोडिया से भी अगर पाकिस्तानी बंदा हार गया तो फिर चस्त तो नहीं आएगी, ठीक है। तो बस एक बार बॉल चली जाए, आगे मैं संभाल लूँगा। ओके ठीक है, अब मैंने बोला तो मुझे संभालना भी पड़ेगा, क्योंकि शापर फाड़ने वाला मैं कहलाना नहीं चाहता। परफेक्टली जा रही है, और शायद ब्लैक भी से हिल जाए, नहीं हिली, ठीक है। ओके ओके, फिलहाल मैंने छेड़ा बट ज़्यादा गंदी छिड़ गई। नहीं नहीं, इट्स फाइन इट्स फाइन इट्स वेरी परफेक्ट। और ओके, नो प्रॉब्लम, नो रिस्क, ओके दैट्स वेरी गुड, ठीक है। अभी भी अब मैं पब्लिक रेड खेलूंगा, रेड खेलने के बाद मैं अगर जा रही है तो प्लीज नहीं जा रही यार, यहाँ मैंने गेम खो दी अपने हाथ से, आपको सही बताऊँ, आप मानोगे नहीं बट मैंने ना थोड़ा सा गड़बड़ कर दी। रुको 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 रुको, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, वेट 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 वेट। अब ये दोनों बॉलिंग जो है बहुत डिफिकल्ट पोजिशन में है यार, मुझे कुछ भी करके खेलना पड़ेगा रेड को, और उसके बाद ब्लैक बनानी पड़ेगी। आई एम टेंशन, ओके। अब मुझे किसी भी तरीके से ब्लैक को बनाना पड़ेगा, अगर मैं नहीं बना पाता, ठीक है, आई एम डन, तो मैं ब्लैक को ऐसे खेलूंगा ताकि मेरी वाइट सेफ रहे। अब देखो, अगर मैं ब्लैक को ऐसे खेलूंगा ना तो मेरी वाइट फंसेगी इसकी बॉल्स के साथ, ठीक है, तो इसलिए मैं ब्लैक को खेल रहा हूँ थोड़ा डिफिकल्ट, जिसमें मुझे थोड़ा जोर से खेलना पड़ेगा, बट इट्स ओके, हम जोर लगाने के लिए तैयार हैं। बढ़ गया बढ़ गया प्रोग्राम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह अकबर। यस, नहीं बड़ा प्रोग्राम, नहीं बड़ा, हमारी थर्ड विक्ट्री पब्लिक, और ये जरूरी भी थी, मौका दिए बगैर बहुत तरीके से हमने यहाँ पे ज़ेनिया को हराया। दिस इज द डेनाइल, ठीक है, परफेक्ट डेनाइल। और अभी हमें बस थोड़ी सी और गेम्स खेलनी है, जिसके बाद हम जीत जाएंगे पब्लिक हमारा 2.1 बिलियन का गोल, ठीक है। Here we go, free Palestine, भाई अगर मैं तुमसे हार गया मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि तुमने बहुत अच्छा मैसेज दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यू आर फ्रॉम इंडिया, तो इस इंडियन बंदे के लिए बहुत रिस्पेक्ट है जिसने फ्री फलस्तीन क्लब ज्वाइन कर रखा है, ठीक है।
बाकी यार मैं अपना क्लब आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये है हमारा क्लब, ठीक है? आप लोग ज्वाइन कर सकते हो इजीली, इसका कोड शोड यहाँ पर आ रहा होगा, क्लब आईडी आ रही है, तो आ जाओ ज्वाइन कर लो। 40 बंदों ने तो वैसे ही ज्वाइन कर लिया था, ठीक है? तो आप भी आके ज्वाइन कर सकते हो। मुझे मेरा साथ नहीं दिया, बट वो स्लो खेलेगा ही नहीं ना। अभी अपने को वापस से सेम एनर्जी के साथ हराना पड़ेगा। ये तो शक्ल सिंह मुझे अच्छा बंदा लग रहा है, शक्ल सिंह मासूम लग रहा है, ऐसा लग रहा है इसका बहुत लोगों ने काटा हुआ है, ठीक है? इंडिया से ही भाई हैं हमारे, पुलक इनका नाम है, पुलक साहब मुझे तुम बड़े अच्छे इंसान लग रहे हो, चलो मुझे जिताओ भाई। बारी तो दे देता है बंदा, वड़ गए भाई, ऐसे घंटा कॉइंस बनाऊंगा मैं, बारी नहीं आती। अब मुझे गुस्सा आ गया, अब मैं एनर्जी में नहीं खेलूंगा, अब मैं गुस्से से खेलूंगा, और जब मैं गुस्से से खेलता हूँ तब बहुत मजा आता है, जब मैं गुस्से से खेलता हूँ ना तब बहुत मजा आता है। और अभी मैं गुस्से से खेलने लगा, गेट रेडी, देखता हूँ कौन है जो मुझे हरा के दिखाएगा। अभी देख लेता हूँ कौन पट है, आएंगे जीत के जाएंगे, आएंगे जीत के जाएंगे। बाबा जी को गुस्सा दिला रहे हैं, सारे दिमाग की चटनी कर दी गई। तो भाई तुम बारी तो दो, बारी भी नहीं दे रहे। पुलक तू मुझे दोबारा मिल, फिर मैं तुझे बताऊंगा। ओ नहीं, इसने बारी दे दी। यस पब्लिक, किस्मत में जीत लिखी हो ना, फिर आप नहीं हार सकते। आज मैं कहूंगा यार चलो, अब मेरा लक काम करना स्टार्ट हो गया। अब मैं हल्की सी लेफ्ट स्पिन लगाता हूँ ताकि मेरी वाइड बॉल ना चली जाए, एंड यस, इसने मौका दिया, फिर हमने मौका नहीं दिया इसको। और ऐसे पब्लिक हम एक और गेम जीत के थोड़ा और 2.1 बिलियन के थोड़ा और करीब जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अब एक लास्ट गेम चाहिए पब्लिक, वन लास्ट विक्ट्री भाई। देखते हैं, डच वाइपर है ये बंदा, और ये आई गेस होगा फिर नेदरलैंड्स का, डच वाइपर है तो यस। ओ माय गॉड, माय प्रेडिक्शन, तो ये नेदरलैंड से है और अमीर भी है, क्योंकि अभी से इसके पास मतलब सारी क्यूज रहने वाली हैं। वाइपर लिखा तो शायद ये थोड़ा ठीक भी खेलता हो, तो कुछ ऐसा सीन होने वाला है। और यहाँ पर आई गेस अल्लाह करे कि इसने पहले किसी और बॉल को टच किया हो, तो ये हमारी इजी विक्ट्री है, बहुत इजी विक्ट्री है, अगर येलो को टच नहीं किया तो। बट इसने येलो को टच किया था, तो अब मुझे थोड़ा सा तरीके से खेलना पड़ेगा, ठीक है? हम मैं मतलब फुल वो तेज तेज खेलने वाला प्लेयर नहीं हूँ, मैं जाऊंगा स्लो एंड स्टडी, कछुए की रफ्तार से जाएंगे लेकिन जीतेंगे, ठीक है? इसके बाद हम पर्पल खेल सकते हैं, और पर्पल के अलावा हम ग्रीन भी खेल सकते हैं, ग्रीन बट विथ लिटिल बिट ऑफ बैक स्पिन, जस्ट लाइक दैट, परफेक्ट। अब कह रहे हो यार सीधी सीधी पड़ी हुई है, फिर भी बंदा सोच क्यों रहा है? सोचना पड़ता है, सोचना पड़ता है, और सोचना बहुत ज़रूरी था, ठीक है? इस वजह से मैं सोच रहा था, मैं ये भी देख रहा हूँ यार कि मैं ब्लैक को कैसे खेलूंगा, लाइक मुझे अपना वो प्लान भी रेडी रखना है कि मैं ब्लैक कैसे खेल रहा हूँ। परफेक्ट स्पिन चाहिए ताकि मैं ब्लैक को उस पोजीशन में ला सकूँ, वाइट को, जहाँ मुझे ब्लैक खेलनी है। परफेक्ट स्पीड और परफेक्ट पोजीशन, परफेक्ट है पब्लिक की, ये परफेक्ट है, जा रही है, जा रही है, और हमारे बिलियन 2.1 बिलियन कॉइंस कंप्लीट हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ एक चीज़ में हम हार सकते हैं कि हमारी वाइड बॉल चली जाए, और मैं चाहूँगा नहीं कि हमारी वाइड बॉल जाए, ठीक है? यस यस, फाइनली पब्लिक हम यहाँ पर अपने 2.1 बिलियन पॉइंट्स करने में कंप्लीट। रुको रुको, इतने से कौन से रह गए हम, अड़ गए भाई। चलो एक 9 बॉल लगाते हैं, और इजीली मतलब अपने जो है ना कॉइंस को कंप्लीट करते हैं, प्ले 9 बॉल। हाँ ये लग गया, ओके। अगर अब हम जीते तो अब हम कॉइंस को पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे, बट उसके लिए जीतना पड़ेगा, और जीतने के लिए ओके, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी 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 गुड। नहीं रहने वाला यार। अच्छा इसमें ना ये थोड़ा सा डिफरेंट है बर्लिन से, अगर जिनको नहीं पता, आपको बॉल्स को सीक्वेंस से पॉट करना पड़ता है, मतलब नंबर्स होते हैं बॉल के, और आपको उस नंबर्स के हिसाब से बॉल को पॉट करना पड़ता है, ठीक है? जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ, वरना जो 8 बॉल पूल खेलते हैं उनको तो आइडिया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब देखो मैं रेड खेलूंगा, रेड के बाद हमें पर्पल खेलनी पड़ेगी, पर्पल के बाद जो ऑरेंज है ना वो फंसी हुई है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड से खेलना पड़ेगा। बाकी ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं, नाइस। नो 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 नो, अबे यार अब हमें खेलना था ग्रीन को, और ग्रीन फंस गई। रुको 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 रुको, वी आर नॉट गोना गिव अप, गिव अप नहीं करना।
गिव अप नहीं करना, गिव अप नहीं करना, गिव अप नहीं करना, कॉइंस पूरे करने हैं। यस दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी परफेक्ट पब्लिक, दैट्स वेरी 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 गुड। वे यार हाथ लग गया। गिव अप नहीं करना, अब तो लीव कर दे भाई, अभी भी एसके बैठा हुआ है, कहाँ है ये? इंडिया से भाई, अभी भी उसको उम्मीद है कि मैं कुछ गलती करूंगा। ठीक है, एज यू विश, क्या पता भाई कर दूं मैं, आई एम ह्यूमन, गलतियां हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आप भगा दिया, जी जी पब्लिक। और यहाँ पर हमारे फाइनली 2.1 बिलियन के जो कॉइन्स हैं वो अब पूरे हो चुके हैं। अच्छा, जाने से पहले मैं आपको अपने अकाउंट रिव्यू मतलब अकाउंट का सारा कुछ डाटा बता देता हूँ। हमारा कैश कितना पड़ा है, क्यूज़ कितनी पड़ी है। ठीक है, क्यूज़ पे क्लिक करें तो मुझे एक बंदा बोल रहा था यार कंट्री क्यूज़ बाय करो, तो कंट्रीज क्यूज़ मैंने मोस्टली जो है वो बाय कर रखी है यार। ठीक है, आप देख सकते हो जो नहीं की हुई वो हम ले सकते हैं, और लेकिन मैंने कुछ ही नहीं की हुई थी, बाकी तो ज़्यादातर मैंने जो है वो बाय कर ली थी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ हमारे पास कितनी क्यूज़ हैं, स्लोली स्क्रॉल करूँगा ताकि आप देख सको कौन कौन सी क्यूज़ हमारे पास रहने वाली हैं, कैसा मेरा अकाउंट रहने वाला है ये वाला। और आप मुझे बताएं यार ये इस कैश को हम कहाँ लगाएं। ठीक है, बाकी तो सारी नीचे वाली क्यूज़ आ जाती हैं, वो आपको मतलब आइडिया हो गई कौन कौन सी हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो लेजेंडरी बॉक्सेस ओपन करूँ तो बताइएगा। ठीक है, और मैंने आपको बोला था कि अगर इस वीडियो पर आप लोग कर देते हो 20,000 लाइक्स तो भाई हम लोग जाने वाले हैं फॉरेन से, अकाउंट है उसको डायमंड से सीधा ब्लैक डायमंड करते हैं, मतलब वो भी मतलब परचेजिंग वगैरह करके। ठीक है, तो आपने बताने, देखो काफ़ी ज़्यादा क्यूज़ तो मैंने बाई की हुई है यार ऑलरेडी, मतलब कंट्री क्यूज़ जो मुझे कंट्री क्यूज़ बाय करने का बोला था ना, मैंने अभी रिसेंटली बाई की थी। मेरे पास और ज़्यादा कैश था, 14-15 हज़ार कैश पड़ा हुआ था, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा वेस्ट कर दिया था। ठीक है, ये सारी क्यूज़ हैं, आप स्लो करके भी देख सकते हो, पॉज करके भी देख सकते हो। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं वो हमें चाहिए होंगी ऑलरेडी, विक्ट्री क्यूज़ हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रहने वाली हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पब्लिक, हमने 2.1 बिलियन कॉइन का जो गोल है वो अचीव कर लिया। थोड़ा टाइम लगा, बल्कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन स्टिल चलो कुछ अच्छी गेम्स के बाद, कुछ अच्छे तरीके से खेलने के बाद हम लोग फाइनली कामयाब हो गए हराने में अपने एनिमीज को और अपने कॉइन्स को पूरा करने में। नेक्स्ट गोल क्या रखें मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग, दिल से लव यू, बहुत ज़्यादा प्यार, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट गेम प्ले में। अल्लाह हाफिज़।